सो आज की वीडियो के लिए हमारे पास है 18650 लिथियम आयन बैटरीज और इसकी मदद से हम बनाने वाले हैं एक 12 वोल्ट की बैटरी। तो इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे कुछ वायर्स के टुकड़े, इन सबको कनेक्ट करने के लिए देखिए कुछ ऐसे हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे सीरीज में। हमें कनेक्ट करना है इन बैटरीज़ को ताकि 12 वोल्ट हमें मिले। तो टोटल 3 बैटरीज़ को हमें कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि पहली बैटरी का नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे और ऐसे ही इसके बाद हम नेगेटिव अगली बैटरी का इसमें जोड़ेंगे तो हमें पूरे 12 वोल्ट हमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बैटरी को आपस में जोड़ लेते हैं ग्लू गन की मदद से। तो यहाँ पर देखिए बैटरी जुड़ चुकी हैं। तो अब एक और बैटरी यहाँ पर हम जोड़ेंगे। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव और इसके बाद फिर से हम यहाँ पे पॉजिटिव करेंगे कुछ ऐसे। तो इसको भी हम ग्लू गन से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बैटरी हमारी जुड़ गई और इसी तरह से हमने एक दूसरी बैटरी को भी बना लिया है सीरीज में। अभी हम इन बैटरीज को ऐसे जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं इनमें सोल्डरिंग कर लेते हैं ताकि हम वायर्स कनेक्ट कर पाएँ इसके ऊपर। तो सोल्डरिंग इस पर डायरेक्ट होगी नहीं, तो हमें इसको थोड़ा सा स्क्रैच करना पड़ेगा ऊपर से हल्का सा स्क्रू ड्राइवर से ताकि यहाँ पे सोल्डरिंग आसानी से हो जाए। तो अभी हम बैटरी में वायर्स कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बैटरी के पॉजिटिव के साथ एक वायर कनेक्ट करेंगे और दूसरी बैटरी के नेगेटिव के साथ हम इसे कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे बैटरी को पलट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहली और दूसरी के साथ वायर कनेक्ट किया था, अब हम दूसरी बैटरी के पॉजिटिव के साथ वायर कनेक्ट करेंगे और तीसरी नंबर की बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी बैटरी सीरीज में होगी, अब ये 12 वोल्ट देगी। तो इसी तरह से मैंने दूसरी बैटरी को भी सीरीज में कनेक्ट कर लिया है और अब हम क्या करते हैं जो एक्स्ट्रा वायर है यहाँ पर हम निकाल लेते हैं और इसके बाद इन दोनों को लगा देते हैं एक साथ। तो यहाँ पे मैंने दोनों को लगा लिया है, अब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम पहली नंबर की बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे दोनों बैटरी के पॉजिटिव को एक साथ कनेक्ट कर देंगे हम और जो वायर लगी हुई थी इसको फिलहाल के लिए हम निकाल देते हैं, साइड कर देते हैं। अब इस बैटरी को हम पलट लेते हैं यहाँ पर और पहली नंबर की बैटरी आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों के नेगेटिव को हम एक साथ जोड़ देंगे ताकि नीचे से भी ये पैरेलल में हो जाए। तो हमारी जो पहली नंबर की बैटरी है वो इस तरह से पैरेलल में हो गई है। सो अभी हम क्या करेंगे जो वायर हमने निकाली थी इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे दूसरी बैटरी को पैरेलल करने के यूज में लेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए दूसरी बैटरी के दोनों नेगेटिव को हम एक साथ ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ पे ये बैटरी पैरेलल में हो जाएगी। और देखिए हमारी पहली और दूसरी बैटरी सीरीज में भी है और अब पैरेलल में भी कनेक्ट हो गई है। यहाँ पर हमें 7 वोल्ट या 8 वोल्ट के करीब जो है आउटपुट मिलता है यहाँ पर दो बैटरी सीरीज में और दो पैरेलल में है तो हमें एम्पियर भी डबल मिलेगा। तो अभी हम इसी तरह से निचली साइड से भी इसको पैरेलल में ज्वाइन कर लेंगे दूसरी नंबर की बैटरी को दोनों पॉजिटिव जोड़ के। और इसके बाद हम क्या करते हैं तीसरी नंबर की बैटरी को भी पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं दोनों साइड से। पहले हम नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ेंगे और दूसरी साइड से पॉजिटिव और पॉजिटिव को। तो इस तरह से जो हमारी बैटरी है दोनों सेट जो हैं बैटरी के वो पैरेलल में और सीरीज़ में दोनों तरह से कनेक्ट हो जाएंगे और हमें पूरा 12 वोल्ट की आउटपुट मिल जाएगी। तो चलिए अब वोल्टेज चेक करके देख लेते हैं कि हमें 12 वोल्ट मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए चार बैटरीज ये हैं, यहाँ पे हमें 4 वोल्ट मिलेंगे क्योंकि ये पैरेलल में है सब। और अभी देखिए जो सीरीज हमने किया है यहाँ पे हमें अराउंड 8 वोल्ट मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 8 वोल्ट हमें मिल रहा है और
और यहाँ पे भी 8 वोल्ट ही होगा क्योंकि ये दोनों आप पैरेलल में है, और यहाँ फिर से सीरीज में किया तो यहाँ पे 12 वोल्ट की आउटपुट हमें मिल जाएगी। तो अराउंड अभी 11.8 वोल्ट हमें टोटल सप्लाई मिल रही है, इसको हम चार्ज कर देंगे बाद में। तो चलिए अब हम इसमें चार्जिंग के लिए मॉड्यूल भी लगा देते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS मॉड्यूल। तो ये एक 20 एम्पियर का BMS मॉड्यूल है, हम इसमें यूज़ कर लेंगे और इनफ है इसके लिए मॉड्यूल। सो हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं पहले ग्लू गन से और उसके बाद इसकी वायरिंग करते हैं। तो यहाँ पे सारी वायर्स लगा दी हैं और अभी हम वोल्टेज चेक करते हुए यहाँ पे वायर कनेक्ट करेंगे BMS की बैटरी के साथ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट 0-12 वोल्ट की वायर नहीं होती, यहाँ पे पहले हमें 0 वोल्ट की कनेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद 4 वोल्ट की, उसके बाद 8 वोल्ट की और फिर जाके 12 वोल्ट की जो वायर है कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये कॉमन नेगेटिव है नीचे ये वाला, तो हम यहाँ पर सबसे पहले BMS की 0 वोल्ट वाली वायर लगा देंगे बैटरी के नेगेटिव के साथ। और देखिए यहाँ पे ऊपर है 4 वोल्ट, तो यहाँ पे हम BMS की 4.2 वोल्ट वाली वायर को हम लगा देंगे यहाँ पे, चारों में से कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे लगा देता हूँ। सो अभी हम BMS की 8.4 वोल्ट वाली वायर को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें 8 वोल्ट के पास मिल रहा है, यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। तो चारों में से कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं एक बैटरी में यहाँ कनेक्ट कर दूँगा। सो इसके बाद हम कनेक्ट करते हैं अपनी 12 वोल्ट वाली BMS की वायर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें 11.8 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है। तो दोनों में से किसी भी बैटरी में हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इस बैटरी में कर देता हूँ। तो यहाँ पे BMS के कनेक्शन हो गए, तो चलिए आउटपुट की वायर्स को भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आउटपुट वायर्स को भी लगा दिया है और अच्छी तरह से ग्लू गन से सारे कनेक्शन को सिक्योर कर लिया है, और चार्जिंग हम इसी से करेंगे, आउटपुट भी हम यही दोनों वायर से ही लेंगे, कॉमन वायर है दोनों के लिए। एक बार इसका टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या वर्क कर रहा है या नहीं। तो एक मोटर से हम चलाएंगे, ये 12 वोल्ट की मोटर है तो काफ़ी यहाँ पे तेज चलती है, इससे बैटरी काफ़ी पावरफुल है हमारी। और फिर से लगा के देखते हैं, तो बैटरी हमारी ठीक है। तो अब हम इसके लिए बनाएंगे केस, तो केस के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे PVC शीट्स का, जो कि PVC पाइप को हीट करने से बनती है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया सभी पार्ट्स को, तो यहाँ पे जैसे केस हम इसका बना देंगे बैटरी का, और केस बना के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इंस्टेंट ग्लू से हम सब कुछ चिपका देंगे और थोड़ी सी ग्लू गन भी हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमारा केस बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने केस को बना लिया है इंस्टेंट ग्लू और ग्लू गन की मदद से, इसके अंदर बैटरी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से फिट हो जाती है। और ये रहा इसका कैप, यहाँ पे मैंने टर्मिनल्स लिख दिए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसको हम ग्लू गन से चिपका देंगे ऊपर वाले को कैप को, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो हम यहाँ से बैटरी को निकाल सकें। तो यहाँ पर ग्लू गन से हम बैटरी को फिक्स कर देते हैं जल्दी से, और साइड में भी लगा देते हैं ताकि थोड़ा बैटरी को सपोर्ट हो जाए, और उसके बाद हम ऊपर के कैप को लगा देते हैं ग्लू गन से ही। तो यहाँ पे मैंने पूरा केस बना लिया है और ऊपर से फिक्स कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा ये रफ लग रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको सैंड पेपर से अच्छी तरह से स्मूथ कर लेते हैं, उसके बाद आपको उसका फाइनल लुक मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सैंड पेपर से इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया, तो ये रही हमारी बैटरी की लुक फाइनल, तो काफ़ी अच्छी हुई है पहले से। तो अभी हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे और इसको एक बार चार्ज करके भी देखते हैं कि ये चार्ज हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे है मेरे पास एक 12 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर, जो इसको मैं चार्ज करने के लिए यूज़ करूँगा।
तो एक बार मैं आपको वोल्टेज भी बता देता हूँ। सबसे पहले बैटरी की हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितने हमारे अभी आउटपुट दे रही है बैटरी। तो अप्रोक्स यहाँ पे 11.98 वोल्टेज हमें मिल रही है बैटरी से। और अब हम कनेक्ट करते हैं चार्जर को और देखते हैं कि ये कितनी आउटपुट हमें दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए चार्जर में 12.2 वोल्टेज हमें दे रहा है 12.2। तो अभी हम इसको आधे घंटे तक चार्ज करेंगे बैटरी को और देखते हैं कि कितनी ये चार्ज होती है। देखिए अभी 11.8 है, तो उसको चार्ज करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या कोई हीटिंग भी हो रही है, BMS की कोई ऐसी बात तो नहीं है। तो जल्दी से इसको लगा देते हैं और फिर देखते हैं। तो अभी आधा घंटा हो गया है उसको चार्जिंग में लगाए हुए और यहाँ पे कोई BMS हमारा जो है हीट नहीं हुआ है। और देखते हैं अब वोल्टेज चेक करके क्या ये चार्ज हुई है हमारी बैटरी। तो यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं वायर्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बैटरी लगभग जो है चार्जर के वोल्टेज के बराबर चार्ज हो गई है। यहाँ पे देखिए अप्रोक्स यहाँ पे हमें 12.2 वोल्टेज के आसपास हमें मिल रहा है। एक बार चार्जर की वोल्टेज भी हम देख लेते हैं कि कितनी है वोल्टेज थी चार्जर की। तो यहाँ पे 12.2 वोल्टेज है चार्जर की अप्रोक्स, और बैटरी की भी हमारी यहाँ पे लगभग इतनी ही वोल्टेज है। तो बैटरी हमारी अच्छी तरह से चार्ज हुई है। सो बढ़िया हमारी बैटरी काम कर रही है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी बैटरी बनी है, काफ़ी पावरफुल है और साइज़ भी काफ़ी कम है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।